में और इजाफा। अमेरिका ने भारत को सौंपे MS-60R हेलीकॉप्टर। नमस्कार, मैं प्रगति, आप देख रहे हैं न्यूज लाइट। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले दो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। सैन डिएगो के नौसैन्य हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड या NAS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधु इसमें शामिल हुए। संधु ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का बेड़े में शामिल होना भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार पिछले कुछ वर्षों में $20 अरब से अधिक तक फैल गया है। रक्षा व्यापार के अलावा भारत और अमेरिका रक्षा मंचों के इस सह विकास पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संधु ने हाल के समय में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए सुधारात्मक कदमों का जिक्र किया, जिससे विदेशी निर्देशकों के लिए नए अवसर पैदा हो गए हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे विमानन की नई प्रौद्योगिकियों के साथ कई मशीनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इन MRH के शामिल होने से भारतीय नौसेना की त्रियामी क्षमताएं बढ़ेगी। हेलीकॉप्टरों को कई विशिष्ट उपकरण तथा हथियारों से भी लैस किया जाएगा। भारतीय चालक दल का पहला बैच अभी अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। रक्षा विभाग के अनुसार इस प्रस्तावित बिक्री से भारत की सेहत रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभिमानों की क्षमताएं बढ़ेगी। भारत इन क्षमताओं का इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के तौर पर करेगा। भारत सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा के आसपास ही फरवरी 2020 में हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ लाइट। धन्यवाद।